सोलन सिरमौर सीमा पर यशवंत नगर में जिला सिरमौर की ओर से आने वाले सभी लोगों का पहले थर्मल स्क्रीनिंग चेक किया जा रहा है, उसी के बाद उन्हें अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक राजगढ़ द्वारा यशवंत नगर पुलिस नाके पर टीम तैनात की गई है, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा सिरमौर की सीमा के अंदर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सीमा के अंदर भेजा जा रहा है, वो भी उन लोगों का जो प्रशासन की अनुमति पास लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि सोलन सिरमौर सीमा पर यशवंत नगर में जिला सिरमौर की ओर से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग उपमंडल राजगढ़ द्वारा यशवंत नगर पुलिस नाके पर टीम तैनात की गई है, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा सीमा के अंदर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा और मेरे साथ डॉक्टर अनु मलिक, इनकी ड्यूटी यशवंत नगर बैरियर पे लगी हुई है। यहाँ पे हम जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर रही हैं उनमें जो लोग बैठे हैं उनको हम प्रॉपर स्कैन कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर से हम उनको थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, बाकी अदर सिम्टम्स जो कोविड 19 से रिलेटेड है, जैसे कि ड्राई क्रफ हो गया, ब्रेथलेसनेस की कोई दिक्कत हो गई वो, और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, इसके बारे में हम उनसे पूरी छानबीन कर रहे हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जा रहा है। और अगर उसमें से कोई भी पर्सन, कोई अगर लगता है सस्पेक्टेड केस, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये सारा काम यहाँ पे चल रहा है पूरा, हम विभाग की तरफ से और लोगों की पूरी देख रेख, ताकि ये जो बीमारी पूरे विश्व में जो फैली हुई है उसके ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। जी देखिए, जब से यहाँ पे विभाग के द्वारा हमारी ड्यूटीज लगाई गई है, अभी तक ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट या कोई, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी लगभग सबका नॉर्मल आया है, और कोई भी ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारी नज़र में नहीं आया है अभी तक। स्कैनिंग चल रही है, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा आता है तो उसके प्रॉपर अगर क्वारंटाइन की जरूरत पड़ेगी तो वो किया जाएगा, आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाए।